और इसके अंदर है राजू के अमिताभ बच्चन खाते हैं होली में। इसमें मैं जो स्टफिंग डालने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। जैसे कि पहला स्टफिंग लॉटो चोको पाई। के दिन दिल खिल जाते हैं भाई, ये मेरे बिहार का फेमस है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांच यूनिवर्स, आप सबका स्वागत है। एंड होली आने वाला है और कुछ मिसिंग लग रहा है ना, एक मिनट। नीला पीला लाल गुलाल, उस पे तेरे गोरे गाल। ओह नो, सो अब लग रहा है ना कि होली है। एंड दिस इज फॉर यू ऑल, हैप्पी होली टू एवरीवन। ओके, सो आज मैं करने वाली हूँ ईटिंग ओनली सेलिब्रिटी होली फूड फॉर 24 आवर चैलेंज। वूहू, आई एम सो एक्साइटेड। दिस सेलिब्रिटी आखिर खाते क्या है होली में? अच्छा ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे आपको बताते हैं। और इसमें मैं कुछ बहुत ही वियर्ड सा करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है मेरे लिए, पता नहीं क्या होगा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये जो डेकोरेशन है ये मेरी मम्मी ने किया है, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। एंड फाइनली मम्मी लोग तो हर चीज में एक्सपर्ट तो होती है, तो मम्मी ने कर दिया। और इसके पीछे क्या क्या ब्लॉपर हुआ है ना, वो मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल पे दिखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और बस अब जाते हैं, जल्दी से भूख लग रहा है बहुत ज्यादा। सो अभी मेरे पास इतना सारा चीज है ना कि मेरा मेन्यू डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मैं क्या बनाऊं। तो सबसे पहले मैं लस्सी बनाने वाली हूँ, ये वाला। लस्सी के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, सॉरी लस्सी नॉट, ठंडाई के बारे में बोल रहे। ठंडाई को कोई होली में स्किप नहीं कर सकता, तो सबको ठंडाई जरूर पीते हैं, तो मैं भी ठंडाई से स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैंने सुबह में लस्सी पी लिया है और कैसे कैसे वो आप देखिए, तब तक मैं यहाँ पे ठंडाई की तैयारी करती हूँ। सो मेरा होली का चैलेंज है आज, और ब्रेकफास्ट के लिए ठंडाई बनाने वाली हूँ मैं। तो उसके लिए ग्लास लेने के लिए आया है, मट्टी का ग्लास ढूंढ रहे हैं। और साथ में क्या लेना है हमें, और एक और चीज लेना है जो थोड़ा देर बाद आपको पता चलेगा। ट्रेन को देख के, मम्मी ट्रेन को देख रही है, और ट्रेन को देख के घर का याद आ जाता है जब भी ट्रेन को देखते हैं। तो सो मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रेकफास्ट में मैं ये लस्सी पीने वाली हूँ। मस्त लग रहा है मुझे देखने में, ये पूरा इसमें दही जमा हुआ, इतना झकास लग रहा है ना देखने में, यही मैं पीने वाली हूँ। और मम्मी भी इधर अपना लस्सी लेके खड़ी है मेरे साथ साथ। मम्मी भी पूरा लस्सी वाला चैलेंज स्टार्ट, मतलब होली वाला चैलेंज स्टार्ट कर दी। और लस्सी जो है बहुत ही ज्यादा शानदार है, बहुत टेस्टी लग रहा है। सो मट्टी का दुकान ढूंढ रहे थे जहाँ पे मट्टी का बर्तन मिलता हो, तो इधर पीछे में आपको दिख रहा होगा मटका है मट्टी का, वहां पे जाके पूछते हैं है कि नहीं मट्टी का ग्लास। तो ठंडाई के लिए ले लिया हम लोग ने, ग्लास तो नहीं मिला, ये मिला क्या मम्मी? चुपका। तो देख लिया आपने, तो इसको ढूंढने में कितना परेशानी हुआ, और ग्लास तो मिला नहीं, मुझे यही मिला। और ठंडाई का जो मजा है, असली मजा इसी में आता है, मिट्टी वाले बर्तन में। तो इसी में मैं ठंडाई बनाने वाली हूँ। इसमें बादाम, काजू, पिस्ता, जिसको मैंने फुला के रखा हुआ था, ये है खरबूजे के बिज्जा, उस्ता दाना, सौंफ और काली मिर्च, गुलाब का पंखुड़ी और दूध। अब अगला प्रोसेस क्या है, ये सबको मिक्सी में डाल के पीस देना है। ज्यादा पतला नहीं करना है, एकदम मोटा सा पीसना है, जैसे चटनी होता है ना चना दाल का, उस कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। एक तो चीज भूल ही गई, चीनी। इसमें चीनी भी डलेगा, तो जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल दीजिए। तो इसमें ना मैंने केसर डाल के रखा होता दूध में, तो ये मैं बताना भूल गई थी। तो ये बहुत अच्छे से कलर ले लिया है, और ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें हम लोग डाल देंगे, अब इसमें हम लोग दूध मिक्स कर देंगे। ये कुछ ऐसा लग रहा है, अब इसमें हम लोग आइस डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। सो होली में जो एक बहुत मोटे से कोई तो होते हैं जो ठंडाई मिक्स करते हैं, लाइक वाइज मैं भी मिक्स करके देखती हूँ मेरे से मिक्स होता है कि नहीं, करके मिक्स करते हैं। मैं बर्फ पहले हटा देती हूँ, उसके बाद मिक्स करती हूँ, नहीं तो पूरा गिर जाएगा मेरे ठंडाई। होली के दिन दिल खिल जाते हैं भाग, बड़ी टेस्टी से बन जाते हैं, लग रहा बहुत अच्छा बन रहा है। जो ठंडाई है इसको ऐसे करने से क्या हो रहा है ना, इसके ऊपर झाग आ रहा है। अच्छा ठीक है, शायद इसीलिए इसको इस तरह से मिलाया जाता है। एक
कैसा बना है ठंडाई, और राज का बात आपको बता देते हैं कि मैंने आज तक ठंडाई पिया नहीं है। चैलेंज की वजह से मुझे बहुत ही कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलता है और ये ठंडाई पीने को मिल रहा है, देखते हैं क्या होता है। आहा, सबसे पहले तो पूरा ठंडा है और इसमें इतना ड्राई फ्रूट डाला गया है जिसका पूरा फ्लेवर आ रहा है, दूध का कच्चा फ्लेवर नहीं आ रहा है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे पीने में। सौफ डाले है ना, सौफ का टेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। ड्राई फ्रूट का जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, बहुत सारा बन गया था, तो वो पूरे में हम लोग को दूध नहीं मिक्स करना है, एक ग्लास में 2 चम्मच एकदम काफी है। मम्मी का रिव्यू लेते हैं, बताओ मम्मी कैसा लग रहा है। मतलब इसका नाम है ठंडाई, तो ये बर्फ से ठंडा ठंडा लग रहा है। सौंफ जो डाला हुआ है वो तो सौंफ का फ्लेवर आ रहा है, और ड्राई फ्रूट्स दूध सब क्रीम क्रीम फ्लेवर आ रहा है। मतलब ये मिल्क शेक की तरह नहीं लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मिल्क शेक की तरह लगेगा, लेकिन नहीं, मिल्क शेक वाला कोई नामो निशान नहीं है। इसके अंदर बहुत ही अलग ही टेस्ट है। अगर ठंडाई ट्राई नहीं किया है आप लोग ने तो जरूर करें। और अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो ना सबके घर में कॉमन है, वो चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, सबके घर में कॉमन है, जो कि है गुजिया। लेकिन जो मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ वो कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें मैं जो स्टफिंग डालने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। अरे कहना क्या चाहते हो, और आपका सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या स्टफिंग है। पहला मेरा स्टफिंग है ये खोआ, चीनी और डेसिकेटेड कोकोनट। ये वाला स्टफिंग तो बहुत ही नॉर्मली ये सबको डालते हैं। सबसे पहले में आ रहा है ये जो लोटो चोको पाई, किंडर जॉय, जेली, फ्रूट्स, बियर, ये जेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सौफ। ओह नो। सो ये जो आटा है गुजिया का, इसको मम्मी सान के रख दी है, तो मैदा को बस इसमें टाइट सानना रहता है और गुजिया को फिल मेरी मम्मी कर रही है। ऐसा होली का पकवान कभी बनाई थी क्या? मैदा का मेजरमेंट बता रही हूँ, इससे 2 कटोरी मैदा मैंने ली और इससे 4 चम्मच रिफाइंड, इसको मिक्स कर दी, उसके बाद पानी से कड़क सानी है। सो होली का गुजिया है इसलिए कलरफुल गुजिया दिखना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मम्मी ने हेल्प किया है मेरा, सारे गुजिया में हम लोग अलग अलग कलर दे दिए, और आपको भी दिखा देते हैं कौन से गुजिया में कौन सा वाला स्टफिंग जाएगा। ये है खोआ वाला, खोआ वाला में रेड जाएगा, द जेम्स में येलो, किंडर क्रीमी में ब्लैक, जेली में ऑरेंज, छोटे छोटे पाई में ग्रीन, सॉफ्ट में व्हाइट। तो इस तरह से बनने वाला है गुजिया। सो इसको पानी लगा के और फिर सील किया जाता है ताकि खुले ना। ग्रीन ग्रीन गुजिया। यही सब गुजिया देख के मैं परेशान हो रही थी, और अब मैं जो गुजिया आपको दिखाने वाली हूँ आप पूरा शौक होने वाली हूँ, मल्टी कलर गुजिया जो कि मेरी मम्मी ने तैयार किया है। तारा! ये देखिए गुजिया में जो थोड़ा थोड़ा बचा था उसको सबको मम्मी मिला के और बना दी एक नया गुजिया, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। पहला वाला गुजिया ऐसा है जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो पका है कि नहीं पका है या फिर जल गया है। होली का शुभ अवसर चल रहा है तो चलो थोड़ा एक लाइन गा दो। जुगी जी धीरे धीरे, जुगी जी जुगी जी, नीला पीला हरा गुलाबी, कच्चा पक्का रंग रंग डाला। तो ये हमारा मल्टी कलर गुजिया भी रेडी होना शुरू हो गया। ये गुजिया देख के लग रहा है कि ये होली का गुजिया है, क्योंकि फेस पे हर तरह का कलर लगता है ना, तो होली जैसा दिखता है वैसे गुजिया दिख रहा है। ये सो गुजिया रेडी हो चुका है, अब मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। सो इसमें लॉटो चोको पाई में जो चॉकलेट का लेयर है ना, उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये ऊपर में मैदा का लेयर है, ये भी अंदर में शायद आटा जैसा लग रहा है ये दोनों का साथ में खाने में। सो एवरेज है ये। ऑरेंज वाला देखते हैं, टेडी बियर बना हुआ था जेली वाला, ये जेली के ऊपर जितना भी चीनी था वो सारा गायब हो चुका है। तो लॉटो चोको पाई वाले से ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है, इसमें जो जेली का टेस्ट है खट्टा मीठा आ रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है खाने में। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा मीठा लग रहा है।
सो ये ब्लैक वाले में था किंडर जॉय और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। इसमें जो किंडर जॉय था ना वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ है और बहुत ही टेस्टी लगा मुझे ये वाला। व्हाइट वाले में सॉफ्ट है, सॉफ्ट वाला ऐसा लग रहा है ना कि मैं कोई पान भरा हुआ गुजिया में खा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है ये वाला भी। ये तो घर का गुजिया है खोआ वाला, ये तो हमेशा ही टेस्टी लगता है तो बहुत टेस्टी लग रहा। सो गुजिया जो है ऐसा वेट कॉम्बिनेशन में ट्राई करूंगी, मुझे नहीं पता था। कुछ कुछ गुजिया तो जो मैंने बताया आपको बहुत ही टेस्टी लगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गुजिया का जो आटा था ना ये बहुत ही अच्छा रेडी हुआ था, एकदम कड़ा सानना चाहिए, क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है, जिसकी वजह से स्टफिंग जो डाला हुआ है उतना सोचना नहीं पड़ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। मेरी मम्मी अब गुजिया को ट्राई कर रही है और मम्मी बोल रही है अब तो मेहमान लोग को यही टाइप का गुजिया मिलेगा, जेंट्स भरा हुआ सॉफ्ट भरा हुआ, क्या मम्मी? सब ट्राई की हूँ, ये नहीं खाई हूँ, इसको खा के बताती हूँ। इसमें ब्रेड जैसा फ्लेवर आ रहा है पर बुरा नहीं लग रहा है। रूपा को कोई कोई अच्छा नहीं लगा पर मुझे सारा गुजिया अच्छा लगा, मस्त लगा। टेस्ट टेस्ट पे है, किसी को अच्छा लग सकता है नहीं लग सकता। सो गुजिया खा के और बाकी सारे टेस्ट खा के ठंडाई ठंडाई पी के तो पूरा मजा ही आ गया। ये वाला भी जो चीज है ना जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ वो सबके घर में कॉमन है, तो मैं बनाने जा रही हूँ दही भल्ला दही बाड़ा, और तो मुझे पता नहीं और क्या क्या बोलते है। सो आप क्या बोलते हो आप कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे मैंने उड़द दाल की मसूर दाल उड़द दाल को मैंने फुला के रात में रख लिया था और इसको मैंने पीस लिया, बहुत ही कम पानी में ये पिसता है। सो इसको 4-5 घंटा रखा जाता है ताकि इसमें ईस्ट उठे, जिसके वजह से ये बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन मैं एकदम इंस्टेंट बना रही हूँ तो इसमें मैं थोड़ा इनो डाल के बनाने वाली हूँ, जिससे ये जल्दी से फूल जाएगा, फुला फुला बनेगा। तो फटाफट ये बनाते हैं और खाते हैं क्योंकि लग रहा है बहुत भूख। के बाद जो मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल है, अमिताभ बच्चन के स्पेशल होली फूड है, तो आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है वो। तब तक मैं इसको छानने की तैयारी करती हूँ। एक मिनट, सबसे पहले नमक डाल देंगे। नमक ही डाला जाता है ना मम्मी, उतना डालो और डालना थोड़ा। मुझे ना दही बड़ा बहुत पसंद है। एक और चीज है जो कि होली में हमारे घर में बनता है जिसको बोलते हैं ढूसका, और ढूसका का मैंने रेसिपी शेयर किया हुआ यहाँ आई बटन में मैं लगा दूंगी तो आप देख सकते हो। मैंने सोचा फिर से क्या उस चीज को मैं शेयर करूं, तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है मटन के साथ, छोला के साथ आप खा सकते हो। सो पानी के ऊपर ये आ गया, इसका मतलब ये फुला फुला और नरम नरम बनेगा ऐसे 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 ऐसे, और बीच में एक होल रहता है, देखते हैं कैसा बनता है। हाथ बचा के भाई, यहाँ से ही मैं इसमें होल कर दूंगी, के बीच में होल कर देना है, ऐसे नहीं होल करना है जैसे मैं होल कर रही हूँ, नहीं तो हाथ जल जाएगा आपका। मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरे से बन नहीं रहा है। सो इसको हाई फ्लेम पे डाला जाता है और लो फ्लेम पे इसको पकने दिया जाता है। है इमली जो कि हर लड़कियों को पसंद है, मम्मी को भी बहुत पसंद है खट्टा लेकिन खाती नहीं तो यहाँ इमली और चीनी का मैंने फुला के रखा हुआ था, ये मैंने नहीं फुलाया था, हर चीज का क्रेडिट मैं नहीं ले सकती, ये मेरी मम्मी फुलाई थी। जूस निकाल लेना है, जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं दही बड़ा के ऊपर जो है इमली का पानी जब तक नहीं आया तब तक वो टेस्टी मजेदार नहीं लगेगा, तो इमली का पानी इस तरह से तैयार करना है। नॉट बैड, अच्छा बन रहा है। तो ये रेडी हो चुका है और ये मेरी मम्मी का हैक है, इसमें ना बहुत ही ज्यादा ऑयल को सोख लेता है, तो छानने के बाद हम लोग को इसमें डाल देना चाहिए पानी में 5-6 मिनट के लिए, तो ये सारा ऑयल को अलग कर देगा। सो जब तक दही बड़ा का जो पकौड़ा है उसका ऑयल निकल रहा है तब तक हम लोग निमकी बना रहे हैं, और ये मेरे बिहार का फेमस है निमकी, जो कि हमेशा काली हो या फिर होली हो तो बनता ही बनता है। तो मम्मी उसके लिए भी आटा सान के रखी थी, और उसमें मम्मी क्या क्या डाल रही है चलिए दिखाते हैं। जमाइन मंगरेला, नमक स्वाद अनुसार, सबसे पहले मैंने डाला जीरा पाउडर, अब थोड़ा सा रेड मिर्ची पाउडर, ब्लैक सॉल्ट ही यूज करें तभी उससे ज्यादा टेस्ट आता है। इमली का चटनी सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा है। ओके, जो इसका स्मेल आता है वही मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, खट्टा मीठा टाइप का टेस्ट तो इसका सभी जानते हैं, खट्टा मीठा लगता है खाने में। रेडी, अब बस इसको छुड़ा के अलग कर लेना है इसमें से, उस पर तल देना है इसको।
सो इसको भी तेज आंच में डालना है और स्लो आंच में पकाना है। और ये हो चुका है। लाजवाब एकदम निमकी बन के तैयार है। और इसके अंदर है राज जो कि अमिताभ बच्चन खाते हैं होली में, मुझे पता है। शिट, नहीं दिख गया। बिना ऑयल का बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया इसके अंदर। सो इस निमकी को जो ना आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं, 2 महीने तक ये स्टोर हो सकता है। चाय के साथ चाय में डुबो को इसको खाएगा तो वो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। स्नैक्स की तरह जैसे मिक्सचर वगैरह होता है ना, वैसे ही ये है, लेकिन ये मिक्सचर से ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ज्यादा मसाला नहीं है। अब खुलने जा रहा है राज। लौंगी इलायची का बेड़ा लगाया, अरे लौंगा इलायची का बेड़ा लगाया, चावे गोरी का यार बलम तर से, रंग बर से वो रंग बर से, मींगे चुनर वाली रंग बर से का। लास्ट में जो अमिताभ बच्चन खाते पान और जो इसको मैंने बनवाया है, क्या ही लजीज लग रहा था देखने के लिए, वो देखिए। ऐसे तो यहाँ पे मैंने बहुत बार पान बनवाया, लेकिन इस बार मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया वीडियो बनाना है, तो भैया एकदम बहुत ही मस्त तरीके से पान बना रहे थे। मैं भी यही सोच रही हूँ जो आप सोच रहे हो, लौंग इलायची कब आएगा, तो भैया उसको सबसे लास्ट में डालें लौंग और इलायची, एंड ये हमारा पान जो है मजेदार सा रेडी हो गया। लौंग भैया पान में डालते नहीं है, लेकिन हम लोग के बोलने पे डाल दिए थे और स्पेशल सा पान बन गया। भैया से स्पेशल लौंग इलायची वाला पान बनवाया। सो मस्त एकदम लौंग इलायची वाला पान जो हम लोग बनवा लिए है, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा बना है। सो खाते हैं और देखते हैं क्या है इसमें जो इतना जादू छा जाता है और अमिताभ बच्चन ऐसे एकदम मस्त तरीके से डांस करते हैं। बड़ा ही मस्त पान बनाया है। तो ये तो पूरा देख ही रहा होगा वीडियो में, तो इसका रीजन मैंने अपने शॉर्ट्स वाले चैनल बताया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। आई होप आपको ये बना होली वाला चैलेंज बहुत अच्छा लगा हो। आज मुझे ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सुबह से कुछ भी करने का, लेकिन फिर भी मैंने ये चैलेंज किया ताकि मैं आप सबको एंटरटेन करते रहूं लगातार। एंड मेरा चैलेंज आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, खूब सारे रंगों की बरसात की तरह कमेंट करें। सो या मिलते हैं फिर से न्यू ब्रिक साथ, न्यू चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अगर मेरी वीडियो पर नए आए हैं।